नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अभी नहीं तो कभी नहीं सीरीज चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 से रिलेटेड है, तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के खनिज संपदा तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्री नोट्स जो मैं दे रहा हूँ एमपीपीएससी 2020 के एस्पायरेंट्स को, वो आपको कैसे मिलेंगे ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ कृपया बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जो है थोड़ी सी हम महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि खनिज संसाधन है उसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है जो देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से पृथक होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में लगभग 27 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 20 प्रकार के महत्वपूर्ण और गौण खनिज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये जो है जितना भी है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं। इसके मध्य प्रदेश विभाजन से पहले खनिज एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश भंडारण क्षमता में तीसरे स्थान तथा उत्पादन क्षमता में चौथे स्थान पर आता है। हीरा तांबा स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति कब बनाई, 1995 में। मध्य प्रदेश की नवीनतम खनिज नीति 2010 में बनी, ठीक है, 10 में घोषित हुई। और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, 19 जनवरी 1962। तो दोस्तों ये जो तीन डेट मैंने अभी आपको बताई है ना, ये तीनों डेट आपको अच्छे से याद कर लेनी है, नोट्स बना लीजिए आप इनके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट जो हमारा पूरा पार्ट है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले की। तो मध्य प्रदेश जो है देश का प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य है। देश में कोयले का कुल भंडारण जो है वो लगभग 35% है, मध्य प्रदेश में होता है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2013-2014 के अनुसार हमारा राज्य मध्य प्रदेश 74,248 मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, उस रिपोर्ट के हिसाब से बताया था। अब आगे और ज़्यादा करने लगा होगा क्योंकि ये जो समीक्षा रिपोर्ट है ये देर में बनती है, टाइम पर नहीं बनती अभी। मध्य प्रदेश कोयला भंडारण की दृष्टि में संपूर्ण भारत में 5वें स्थान पर है तथा उत्पादन की दृष्टिकोण में 4थे स्थान पर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयला वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्रों में हम दो भाग में इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो जो मध्य भारत है उसमें सुहागपुर क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारा। ठीक है, ये जो सिंगरौली वाली बेल्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सिंगरौली क्षेत्र उत्तम श्रेणी का कोयला, सबसे मोटी परत 135 मीटर की परत यहाँ पर सिंगरौली क्षेत्र में पाई गई है। ठीक है, कुरार क्षेत्र, फिर आता है जोहिला नदी क्षेत्र। सतपुड़ा क्षेत्र में हम बात करेंगे मोहपानी क्षेत्र की, शाहपुर क्षेत्र है इसका। ठीक है, थाना लिखा गया यहाँ पर, माफ कीजिएगा, शाहपुर क्षेत्र है बैतूल में। ठीक है, काना घाटी क्षेत्र जो कि छिंदवाड़ा में है, और ये पेंट नहीं है, पेंच है दोस्तों। ठीक है, पेंच कर लीजिएगा उसको, पेंच घाटी क्षेत्र जो है ये भी आपका छिंदवाड़ा के अंदर आता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां तक की डिटेलिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अभी लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर आप लोग है ना आगे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए, ये जो मैं 2020 के 2020 के नोट्स की बात कर रहा था ना, उसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसका जो स्क्रीनशॉट है, इन तीनों के स्क्रीनशॉट आपको ये जो नंबर मैंने यहाँ दिया हुआ है 8602496894, इस नंबर पे आपको ये तीनों स्क्रीनशॉट करने हैं व्हाट्सएप। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे। बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन के दृष्टिकोण में भारत का तीसरे स्थान पर है। ठीक है, देश का लगभग 50% मैंगनीज का भंडारण मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में भारवेली की जो खान है, खान मतलब खदान, भारवेली की जो खदान है ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। बालाघाट, छिंदवाड़ा है ना, परासिया क्षेत्र प्रमुख रूप से मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र है। मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः जहाजरानी मतलब प्लेन में, ठीक है, इस्पात उद्योग आदि में किया जाता है। बात करते हैं आगे तांबे की।
मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन की दृष्टि से देश का पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है। देश का कुल तांबा उत्पादन का लगभग 22% मध्य प्रदेश में होता है। तांबा अयस्क मुख्य रूप से बालाघाट के बैहर तहसील में मलाजखंड है एक जगह, वहां पर मलाजखंड में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो मलाजखंड है ना, इसमें HCL है, HCL जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो वहां पर मलाजखंड में उत्खनन कर रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिटेल दिए आपको HCL के बारे में। इसका उत्खनन कर रही है HCL, जैसा मैंने आपको बताया। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खुली खदान है। कौन सी खदान? मलाजखंड की जो खदान है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खुली खदान है। इसके अतिरिक्त तो जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आदि प्रमुख तांबे के उत्पादन के केंद्र हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं हीरे की, ठीक है। हीरे मध्य प्रदेश को हीरा उत्खनन में सबसे पहला नंबर है हीरे का, इसलिए MP को हीरा स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा भंडारण क्षेत्र, सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन पन्ना एवं मझगांव सतना में किया जाता है। हीरे के दृष्टिकोण से छतरपुर का अंगोरा तथा पन्ना का हनोता प्रमुख रूप से संभावित क्षेत्र है। हीरा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कड़प्पा और कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उत्पादन मध्य प्रदेश में जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, शहडोल आदि जिले में होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है रेणुकोट, रेणुकोट संयंत्र को अनूपपुर से ही बॉक्साइट भेजा जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा बॉक्साइट यहां पर उत्पन्न होता है अपने यहां। चूना पत्थर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है, उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है। मध्य प्रदेश की कटनी, जबलपुर, सतना, ग्वालियर प्रमुख चूना पत्थर के उत्पादक जिले हैं। चूना पत्थर का उपयोग होता कायम है, ये मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट के बनाने में इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं अगले अयस्क की जिसका नाम है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उत्पादक जिला है। इसके अतिरिक्त सागर, छतरपुर आदि में भी रॉक फॉस्फेट भंडारण पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग कायम होता है, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जिसका उत्पादक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है, ठीक है। इसका उपयोग पेंट, बैटरी बनाने में, पेंसिल की जो लीड होती है पेंसिल की ना, वो ग्रेफाइट से ही बनती है, तो ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब हम यहाँ पर टंगस्टन की। टंगस्टन एक प्रकार का कठोर धातु है, ये होशंगाबाद जिले में मिलता है, ठीक है। आगर क्षेत्र में टंगस्टन उत्पादन के लिए, आगर जो क्षेत्र है वो टंगस्टन उत्पादक के लिए माना जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं है, टंगस्टन है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी भी। बात करेंगे डोलोमाइट की। तो जो डोलोमाइट खनिज है आपका, ये डोलोमाइट खनिज का उपयोग मुख्यतः कायम में होता है, ताप उद्योगों में किया जाता है। ये मुख्यतः झाबुआ, जबलपुर, सीधी तथा ग्वालियर में पाया जाता है। अब खनिजों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभ्रक जो है बालाघाट छिंदवाड़ा होशंगाबाद में पाया जाता है। एस्बेस्टोस जो है वो मुख्यतः कहाँ मिलता है? झाबुआ में। संगमरमर देखिए आप, जबलपुर में सफ़ेद, ग्वालियर में रंगीन संगमरमर मिलता है। इसके अतिरिक्त बैतूल और सिवनी में भी संगमरमर पाया जाता है। सीसा यानी कि लेड, ये दतिया और होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। चीनी मिट्टी ग्वालियर, जबलपुर, सतना में पाई जाती है, ठीक है। फेल्सपार की बात करेंगे, ये जबलपुर और शहडोल में मिलता है। जिप्सम की बात करेंगे तो ये भी शहडोल और मुरैना में पाया जाता है दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि फायर क्ले उच्च ताप की ईंटें बनाने में उपयोगी होता है। फायर क्ले होता है जो ज़्यादा टेंशन झेल पाने वाली ईंटें उससे फायर क्ले से बनाई जाती हैं। हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज जो है वो कोरंडम है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पर ये गलत आ गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ ये क्या है कि जब चूना पत्थर जो होता है ना, ये यहाँ पर तुमना हो गया है। जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम पाया जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं डोलोमाइट। माफ कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसी को हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट,
ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में शेड्यूल अनूपपुर में गैस के भंडारण मिले हैं रिलायंस को, ठीक है। और कूल पेड, ये कोल बेड है, कोल बेड, ठीक है, कोल बेड, कोल बेड होता है एक मिथेन होते हैं, मिथेन का फॉर्म होता है कोल बेड, कोल बेड मिथेन का भंडारण कहाँ मिला है, शहडोल में मिला है। सीधी जिले में एक जगह है मझौली क्षेत्र में सोने का भंडारण प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जाम में कि कहाँ पर सोने का भंडारण मिला है, तो वो सीधी जिले में मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये जो यहाँ पर जो पॉइंट्स और फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये फैक्ट्स और पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गत वर्षों में एग्जाम हुए हैं वहाँ से मैंने सारे फैक्ट्स लिए हैं, और कोशिश की है कि एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर आपके खनिज से आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, या वो क्वेश्चन ऐसा ना हो कि वो आपको नहीं पता हो। इन सबको आप आराम से अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको आप स्टडी कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने के बाद जब आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे ना दोस्तों, तो उससे मेरे आगामी वीडियोज़ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियोज़ देख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।